इसमें एक छोटा सा नोटिस सर, इसमें आप एक है टेक्निकल एनालिसिस भी सिखा रहे हैं और एक है फोरकास्टिंग भी सिखा रहे हैं, मतलब आप मतलब दोनों मिक्स करके सिखा रहे हैं, एक है प्रिडिक्शन और हाँ एक है टेक्निकल एनालिसिस, दोनों मिक्स करके सिखा रहे हैं क्या आप? जी सर, देखिए टेक्निकल मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी रिसेंट में हमारा एक इंफोसिस का ट्रेड ओपन था, मतलब ओपन हुआ है, मतलब उसकी डेट आ गई है। मैंने जब क्यू एंड ए सेशन हुआ संडे का, संडे को रख मंडे को रखा था, सॉरी अब हम मंडे को करने लगते हैं, तो उस दिन हमने ये डिसाइड किया, उन लोगों को भी मैंने बोला कि अभी टेक्निकली मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये गिर सकता है और वो एक ट्राइंगल के अंदर है। तो मैंने उनको बोला कि यार इस ट्राइंगल के अंदर है और ये नीचे बॉटम की तरफ जब जाके टप्पा खाएगा, मतलब जब वहां पे सपोर्ट लेगा, तब असली में हम एंट्री करेंगे। अभी हम अगर लेंगे तो हमको ऑप्शन मिल रही थी शायद 46 या समथिंग की, और फिर जब वहां पे टप्पा खाएगा, मतलब वहां पे बॉटम लगाएगा, तो शायद 30 रुपए की 29 रुपए ऐसे शायद मिले। तो ऐसा मेरा थोड़ा सा अंदाजा था। अब वहां पे पहुंच जाए एक बार तो असली में पता चलेगा कि क्या प्राइस पे आएगी। तो अल्टीमेटली इस चीज को आप देखो कि टेक्निकल अगर हमको मिल जाता है तो और अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। मतलब एग्जाम्पल समझो, किसी चीज की एंट्री 13 तारीख होती है, ठीक है, उस 13 तारीख की एंट्री के में अगर मैं कर लूँ तो वहां से भी मेरे को प्रॉफिट होगा। बट क्या हो अगर मेरे को ये थोड़ी सी समझ आ जाए कि हाँ ये यार ये थोड़ा सा और 3 4 दिन गिरेगा, उसके बाद में एंट्री करूँ, अगर ऐसा मैं करूंगा तो मेरी ऑप्शन मेरे को ज्यादा बेटर प्राइस पे मिल जाएगी, ठीक है। और अगर ऊपर सर भागे, अगर ऊपर भागे तो फिर मेरे को एंटर करना ही है, देखिए मतलब फिर अगर सर, टेक्निकल स्कोर रिस्पेक्ट नहीं करे तो फिर। लास्ट मंथ क्या हुआ था, एचडीएफसी बैंक वो ब्रेकआउट लेवल पे आया 100%, कल सुबह वो ब्रेकआउट होना ही होना है इस तरह का, मतलब नवंबर फर्स्ट वीक में या सेवन सेकंड वीक में ऐसा हुआ था। एज पर टेक्निकल एनालिसिस एचडीएफसी बैंक वो थ्रेशोल्ड में आ गया था, वहां से 100% ब्रेकआउट देगा, ब्रेकअप मतलब ऊपर जाएगा, सारे लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन प्रैक्टिकली नेक्स्ट डे मॉर्निंग क्या हुआ था, सारे के एक्सपेक्टेशंस के विरुद्ध में, उसका अपोजिट में, वो बिल्कुल पूरा शेयर एकदम नीचे गिर गया, मतलब सर, एज अब पर यहाँ पे टेक्निकल। यही बात है कि टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे फेल हो गया ना, और मैं क्या बात कर रहा हूँ कि हमारे पास टाइमिंग का तो मेथड एक्यूरेट ऑलरेडी है और वहां पे टेक्निकल ने भी सपोर्ट करा हुआ है, तो दोनों, मतलब आप सोचो कि एक पर्सन एक हाथ से काम कर रहा है, कितने काम कर पाएगा, कार नहीं ड्राइव कर पाएगा, घोड़ा नहीं चला पाएगा, बाइक नहीं चला पाएगा। बट एक, अब फिर एक नॉर्मल पर्सन है जिसके दोनों हाथ है, तो वो सारे काम जिनमें दो हाथ इन्वॉल्व है बड़े आराम से कर सकता है। तो इसी को अब मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मान लो कि कल को मैं कुछ फंडामेंटल्स भी इंट्रोड्यूस करता हूँ अपने कोर्स में, तो आपके पास एक थर्ड हैंड आ गया, मतलब कि आप तो वही काम करने के लिए, आपका एक तगड़ा दोस्त भी आ गया हेल्प करने के लिए। तो ये जितने हाथ हमारे पास हो जाए या जितने और तरीके हो जाए उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, तो उतना अच्छा, ओके सर, ठीक है। ओके।